पे मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली जिस भर्ती का सबसे ज्यादा इंतजार था वो आ गई है। जी हाँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से गृह विभाग के अंतर्गत आपको उप निरीक्षक यानी कि नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलनायक पुरुष पीएसी आरआरबी 2024 यानी कि एसआई की भर्ती का विज्ञापन दिखाई दिया गया है। जी हाँ, अभी हम आयोग की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा। चलिए, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है। तो ऑनलाइन जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2024 है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर नीचे हम सीधे नीचे आते हैं पदों की संख्या में और उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण यहां पर आप देख सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं। कुल 222 पद, जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं कुल 222 पद आए हैं। इनमें जो सबसे पहले हैं पद का नाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना, कुल मिलाकर 108 पद हैं, यानी कि 65+43 टोटल यहां पर आप देख सकते हैं पद है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप इसको यहां पर डिटेल में देख सकते हैं। पद का नाम यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा 21 से लेकर 28 वर्ष की गई है, यानी कि कोई भी इसमें वृद्धि नहीं की गई है। जो रेगुलर एज थी एसआई की 21 से लेकर 28 है, बाकी एससी एसटी ओबीसी अलग अलग जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार इसमें आपको जो है छूट मिलेगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपको स्नातक उपाधि होना, यानी कि आप स्नातक हैं तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बाकी फिजिकल रिक्वायरमेंट अगर की बात करें तो 167.70 और ये हाइट होगी मेल कैंडिडेट्स के, फीमेल्स के लिए 152 इसमें होगी, बाकी एससी एसटी कैटेगरी अलग अलग है। ऐसे ही आप देख सकते हैं चेस्ट वगैरह में भी है, बाकी फीमेल्स के लिए जो वेट है 45 kg है, बाकी बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिन अप, दौड़, दंड बैठक, स्विकिंग वगैरह सब आप इसमें देख सकते हैं, शटल रेस वगैरह भी देख सकते हैं, बाकी 6x6 मेडिकल इसमें सब कुछ दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं गुलनायक पुरुष पीएससी आईआरबी, कुल पद आप देख सकते हैं 89 यहां पर टोटल पद हैं। कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हैं 89, न्यूनतम वही, एज वही, क्वालिफिकेशन भी वही, यहां पर सेम आपको देखने को मिलेगी, बाकी हाइट वगैरह का आप देख सकते हैं। इसमें ये पद केवल पुरुषों के लिए ही आरक्षित है, इसमें महिलाएं नहीं भर सकती हैं। ठीक है, ऊपर वाले में यानी कि जो ये ऊपर के पद हैं उसमें आप देख सकते हैं इसमें मेल और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स जो है भर सकते हैं, जो कि नागरिक पुलिस और अभिसूचना है। लेकिन जो नीचे के पद हैं यानी कि गुलनायक पुरुष पीएससी आईआरबी, इसमें केवल महिलाओं इसमें केवल पुरुष कैंडिडेट्स ही आप देख सकते हैं इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फिजिकल वगैरह आप देख सकते हैं, यह है मेडिकल स्टैंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फीमेल्स के लिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पुरुष मेल दोनों है इसमें, 24 यहाँ पर टोटल पद हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सेम है क्वालिफिकेशन, एज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम यहां पर दी गई है। बाकी इसमें जो सबसे इसमें है यानी कि जो ये अग्निशमन अधिकारी द्वितीय की जो पद है यहां पर आप एक देखेंगे शैक्षिक अर्हता में, यहां केंद्र और राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर एड ऑन यहां पर जो है कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे आएंगे, बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एज को लेकर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, 21 से लेकर आप देख सकते हैं इसमें जो कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2000 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 वर्ष की यहाँ पर जो है छूट जो है दी गई। ठीक है, अब नीचे हम सीधे आते हैं, क्वालिफिकेशन के बाद पद हम देख लिए, अब हम जो सबसे मेन और महत्वपूर्ण जिसको लेकर लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म था वो है सिलेबस को लेकर। देखते हैं आयोग ने इसमें जो है क्या सिलेबस रखा है। लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आप देख सकते हैं गृह विभाग के अंतर्गत हेतु पद हेतु परीक्षा योजना, तो आप देख सकते हैं सारी मानक परीक्षा एवं ये हाइट वगैरह आप देख सकते हैं सब कुछ, यानी कि जिस हिसाब से यहाँ पर लग रहा है कि आयोग पहले इसमें फिजिकल जो है कराने के मूड में है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फिजिकल है, ये जो है सारी डिटेल्स आयोग ने जो है ये फिजिकल को लेकर दी है। आप देखिए रिटर्न जो महत्वपूर्ण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर आप देख सकते हैं
प्रथम प्रश्न पत्र जहां पर सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की 100 नंबर की आएगी। यहां पर अगला सामान्य बुद्धि एवं तार्किक प्रश्न 50 नंबर आएगा, 2 घंटे का होगा। और द्वितीय प्रश्न सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर, आप देखते हैं 75 3 नंबर के, यानी कि आप देख सकते हैं 300 नंबर का आयोग ने टोटल किया है। 2 पेपर आपके होंगे दो एक ही दिन में, आप देख सकते हैं पहला 2 घंटे का, दूसरा 3 घंटे का, और 1/4 इसमें आपको नेगेटिव यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि ये गुल नायक के ऊपर के जो पद हैं नागरिक पुलिस और अभिसूचना के हैं। और तीसरे यानी कि जो दूसरी अगर अग्निशमन अधिकारी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं गणित अभियुक्ता, उसके अलावा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित में से कोई एक यहाँ पर होनी चाहिए। 100 अंकों की यहाँ पर 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 नंबर। तो काफ़ी आयोग ने यहाँ पर जो है चेंजेस किए हैं, बाकी आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस यहाँ पर आयोग ने जारी कर दिया है। तो बाकी ये डिटेल रही, पूरी PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।